आपने पंडित दुबे जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी मीडिया के भाई बंधु, हमारे प्रिंट मीडिया और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग जिस प्रेस लॉन्च में आज आए हुए हैं, जैसा कि आपने देखा कि हुआ है जागरूक, ये बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारे राहुल जी का। हर जिले में आज थिएटर्स की कमी है। हम यूं कहें कि पूरे भारत में ही थिएटर्स की कमी है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जब हम देखते हैं कि दुनिया में आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से भारत जो स्थान रहता है, उस हिसाब से यहाँ पे थिएटर्स नहीं है। और एक और बड़ी मुश्किल आती है, थिएटर हैं भी तो इतने बड़े बड़े हैं, जो सिंगल थिएटर हैं वो इतने बड़े हैं, जैसे 1,200 सीटें होती है तो उसको पूरी तरह से वातानुकूलित कर पाना, एयर कंडीशन बना पाना वो बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में बहुत अच्छा इन्होंने ये आइडिया लाया कि हम लोग मिनी सिनेमा बनाएंगे। ये सिनेमा हॉल जो है 50 सीट से लेके 80 सीट, 100 सीट तक का होगा, जो हर तहसील में एक सिनेमा बनेगा। जिले में नहीं बल्कि हर तहसील में एक सिनेमा बनने का ये कार्यक्रम है। और इसमें इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, पिंगरा में ऑलरेडी हमारे यूपी से ही शुरुआत हुई है और बाकी प्रदेशों में भी काम चल रहा है, झारखंड में भी, बिहार में भी, आंध्रा में भी। तो ये सिर्फ सिनेमा नहीं है, सिर्फ सिनेमा देखने के लिए नहीं, साथ में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एजुकेशन की भी सुविधा है। और गांव में, रूरल एरिया में जहाँ बच्चे उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, कुछ टेक्निकल शिक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन उनको बाहर जाना पड़ता है, दूर शहरों में जाना पड़ता है, उनके लिए नेट के थ्रू ये जागरूक जो हमारा थिएटर होगा वहाँ वीकेंड पे या जो भी डिसाइड होगा उस दिन बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था है, वो वहाँ ऑनलाइन अपनी शिक्षा भी आ सकते हैं, साथ में मनोरंजन भी और शिक्षा भी, जो जरूरत है आज हर रूरल एरिया में। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट राहुल जी का लगा मुझे, तो मैं भी जुड़ गया, हमारे रवि किशन भैया भी जुड़े हुए हैं और हमारे रमेश जी, विकास जी। तो बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग आशीर्वाद प्यार दीजिए कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो लोगों को पसंद आए और जो एम लेकर के हम चल रहे हैं उसमें सफलता मिले, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि जितने भी दर्शक होते हैं, मेरे टाइप के दर्शक, जैसे निरहुआ के टाइप के जो दर्शक है, निरहुआ टाइप मतलब समझ लीजिए कि मैं ऐसा फिल्मची आदमी हूं कि मुझे सिर्फ काम से थोड़ी सी फुर्सत मिलनी चाहिए, मैं सीधे थिएटर जाता हूं, मुझे इससे बढ़िया कोई मेरा मतलब टाइम पास ही नहीं है, इससे बढ़िया मेरा मनोरंजन नहीं है। मैं जब भी समय मुझे मिलता है मैं थिएटर जाता हूँ, सिनेमा देखता हूँ, बचपन से देखता हूँ। और जब कोई कहता है ऐसा कि सिनेमा खत्म हो रहा है, सिनेमा बंद हो जाएगा, तो मुझे हंसी आती है उन लोगों पे कि शायद वो मेरे जैसे दर्शकों के बारे में उन्हें पता नहीं है, जिनके लिए जितना खाना जरूरी है उतना ही सिनेमा देखना जरूरी होता है। मैं बिना सिनेमा देखे जैसे नहीं रह पाता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि मेरे तरह के भी लोग हैं जो सिनेमा देखते ही देखते हैं, भले वो अपने काम पे रहते हुए मोबाइल में देख लें या उनको समय मिले तो वो थिएटर में जाकर देखें। तो ऐसे में दर्शकों की मांग थी, दर्शक भी ये चाहते थे, वो कहते थे कि हम जहां रहते हैं वहां सिनेमा हॉल नहीं, और अगर है भी तो एसी नहीं है, तो दिक्कत होती है गर्मी में, हम जाकर के और देखना चाहते हैं, परिवार के साथ देखना चाहते हैं। और ये हर बार सवाल उठता था कि लोग खास करके भोजपुरी सिनेमा में ज्यादा फैमिली ऑडियंस क्यों नहीं आते। तो इसका एक कारण ये भी था कि जिसके घर में पंखा है, कूलर है, वो अपना
घर का इतना बढ़िया माहौल छोड़ के और क्यों जाएगा ऐसी जगह पर सिनेमा देखने जहां उसको गर्मी झेलनी पड़ेगी। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे राहुल जी ने ये जो कॉन्सेप्ट लाया है, मुझे लगता है कि ये दर्शकों को राहत प्रदान करेगा और हर तहसील में ये सिनेमा जब बन जाएगा तो ये जो शिकायत आती थी कि हमारे एरिया में सिनेमा नहीं है तो हम नहीं देख पाते हैं और हम चाहते हैं देखना पर हमें मुश्किल होती है, तो वो जो है उनकी शिकायत दूर हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों की शुभकामना चाहिए। बाकी आप लोग अगर कुछ और खास जानना चाहें इसके बारे में तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा और बेहतर राहुल सर ही बता पाएंगे, क्योंकि तो मैं जितना जानता था मैंने बताया, प्लीज आप भी कुछ जरूर बताएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं करता हूँ, आप एक बार थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए, थिएटर का जो कॉन्सेप्ट है मैं बता दे। डबल जी ने इतना 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 सब कुछ बताया हमारे इस कॉन्सेप्ट को, बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट बन गया है, अगर हम साथ साथ ये बनाएंगे तो बस बने रहने की वाली बात है। हमारे हमारे जो देश के इतनी इतना बड़ा देश है हमारा, छोटे छोटे गांव हैं, बहुत तहसीलें हैं, और यहाँ पर जैसे निर्मल जी बोल रहे थे एंटरटेनमेंट और एजुकेशन दोनों को हम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का सबका साथ चाहिए, छोटी सी जगह है, लोग आएंगे आएंगे पिएंगे पिक्चर देखेंगे, एक तरीका है कि कम्युनिटी को फिर दोबारा से एक साथ इकट्ठा करके एक जगह पर लेके आए जहाँ पर सिनेमा वहाँ से शुरू होती है। ये चीज़ हमने इस समय काफ़ी सिनेमा अभी हमारे एक सिनेमा हॉल चल रहा है और बाकी सिनेमा हॉल हमारे खुल रहे हैं, भाई साहब के साथ हमने 3 अनाउंस कर दिए हैं और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि धीरे धीरे काफी तेजी से हम लोग बहुत सारे सिनेमा हॉल खोलेंगे एक साथ। हालांकि मेरी माँ की बचा नहीं बोल रही थी, बस सब लोग देंगे तो आप लोग देंगे, बस एक सबसे सस्ता एंटरटेनमेंट अभी तक मुहैया नहीं था, क्वालिटी एंटरटेनमेंट कहीं मुहैया नहीं था। लोगों को जाने के लिए एक जिले में 50-60 किलोमीटर चलना पड़ता था, आज रोड अवेलेबल है, लेकिन एंटरटेनमेंट अगर उनके 20 किलोमीटर के दायरे में अगर अवेलेबल होगा तो एजुकेशन और बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट आएगा उसकी चीज आएंगे, उसका हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अभी तक हम लोग जो सरकार पहले सरकार रही है, पहले की सरकार रही है, वो बच्ची मुहैया करा रही है, लेकिन इस तरह किसी का ध्यान नहीं था, जो हॉल्स चल भी रहे थे वो बंद हो रहे थे,